पार्टी है और सबके को स्वीकारना होगा कि पूरे 81 विधानसभा फिलहाल आपका जनाधार 2 सालों में नहीं बना होगा। अभी चुनाव है, तब तक हम लोग जनाधार बनाने का प्रयास भी करेंगे, अपने इंडिकेटर्स बनाएंगे, बूथ कमेटी बनाएंगे, लोग जोड़ेंगे, लेकिन उसके बाद भी अंतिम जो फीडबैक होगा वो हमारी स्थानीय कमेटी होगी, प्रखंड कमेटी होगा, प्रखंड कमेटी जिला कमेटी को सुनेगी, जिला प्रखंड को सुनेगी और फिर हम लोग तमाम पदाधिकारियों को किसी एक बैठक में बुलाएंगे और वहाँ इस विषय पर चर्चा करेंगे। चुनाव में मेरा फैसला क्या रहेगा, आपका क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, मुद्दा तो सबसे पहले स्थानीय नीति रहेगा, पलायन को रोकने का मुद्दा रहेगा, जो कंपनियां झारखंड में जमीन अधिग्रहण कर रही है वे किस आधार पर जमीन का अधिग्रहण करेंगी, लीज का दर दौर क्या होगा, इस तारीफ मुद्दे हमारा मैनिफेस्टो में रहेंगे। आपके साथ संपर्क में है, लेकिन संपर्क हम लोगों ने तोड़ दिया है। हम लोग अपने जेलकेम के बैनर तले ही चुनाव लड़ेंगे, पूरे 81 विधानसभा में चुनाव लड़ने की तैयारी है, हम लोग अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, जनता के आशीर्वाद से। और क्या लगता है पूरे झारखंड में कितने सीट से चुनाव जीत पाएंगे? 60 सीटें तो कन्फर्म है, वहाँ तक हम लोग का संगठन पहुँच चुका है। कहीं हमारे संगठन में 50,000 लोग हैं तो कहीं 5,000 हैं तो कहीं 500 हैं, लेकिन जहाँ जहाँ संगठन पहुँच चुका है वहाँ तो चुनाव 100%। जयराम जी, दो जगह से चुनाव लड़ने की बात आ रही थी, आप कहाँ कहाँ से लड़ रहे हैं? देखिए, एक हमारा डुमरी लगभग तय हो चुका है, क्योंकि झारखंड के जो लोकसभा का चुनाव हुआ था भारत दस में, हम लोग सबसे ज़्यादा वोट डुमरी से लेके आए 90,000, तो वहाँ की जनता का कहना है कि आप एक बार हमारे क्षेत्र के लिए चुनाव लड़ें, हम लोगों ने आपको बहुत सारा प्यार दिया है, तो पहला सीट वो तय है, उसके बाद जो बाकी सीट है उसे गोमिया की चर्चा हो रही थी। हाँ, गोमिया में भी 70,000 वोट मिला है और टुंडी में भी 60,000 वोट मिला है, तो गोमिया और टुंडी भी हम लोग प्रिफर कर रहे हैं, उस पर भी विचार किया जा रहा है। अब तक दौरे में कैसा लगा आपको, कैसा जन समर्थन मिला? बहुत अच्छा जन समर्थन, बताइए, पश्चिमी सिंहभूम के एक सुदूरवर्ती क्षेत्र में सरंडा के जंगलों में हमें जन समर्थन मिल रहा है, तो ये जन समर्थन अतुलनीय है, ये विश्वास से हम लोग उत्साहित हैं। रांची में आज चंपई सोरेन भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, इस राजनीतिक गतिविधि को आप कैसे? हम उनको शुभकामना देंगे, काफ़ी वृद्ध नेता है, उनको हम कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, फिर उनको यही चाहेंगे कि आप अपना बेटा के लिए पॉलिटिक्स ना करें, झारखंड की जनता आपके बेटे हैं, वो आपके बेटे के समान है, वो युवा आपके बेटे के समान है जो बेरोजगार है, इसलिए अगर आप राजनीति करना चाहें बीजेपी में जाके तो इस राज के लिए राजनीति करिए, अपने बेटे के लिए ना। उन्होंने जिस तरीके से लेटर लिखा और कहा कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ, आप मानते हैं उनके साथ गलत हुआ? देखिए, कुछ तो हुआ है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो जेएमएम के कदावर सिपाही रहे हैं, गुरु जी अभी हैं, तो हमें लगता है कि थोड़ा सा बातचीत कर लेना चाहिए था। बाकी जो भी जाए, वो जहाँ भी जाए, राज को अच्छा कैसे हो इस पर विचार करें। धन्यवाद।